वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका एसएससी सब्जेक्ट है रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया अ सोशल हिस्ट्री, इसकी यूनिट 1 करने वाले हैं। और यूनिट 1 से बी टॉपिक है ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग पॉलिसीज एंड प्रोपगेंडा। सो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया कॉलोनियल पीरियड के टाइम की बातें ये सब चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लें, और आपको अगर कोई बात करनी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और आपको ये पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एकलव्या स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है, आप इसको सर्च मारकर ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। सिलेबस की बात की जाए तो यूनिट 1 में से टॉपिक ए करवा दिया है, आज आपको टॉपिक बी करवाऊंगा, ठीक है, जो कि है ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग पॉलिसीज एंड प्रोपोगंडा। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ अगर स्टार्ट करें तो आप सभी को पता है कि आईएसबीएस खत्म हो चुका था, जो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उसको खत्म कर दिया गया था, और पूरी तरीके से उसको रिनेम करके ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो में इसके जो मेन लीडर थे, जो आप कह सकते हो जो उसको संभाल रहे थे, वो थे लॉयनल फिल्डन, ठीक है। लॉयनल फिल्डन, ये मैंने आपको पीछे जो अभी चैप्टर पढ़ा था हमने, या आप कह सकते हो जो टॉपिक ए पढ़ा था, वहां पे लॉयनल फिल्डन के बारे में आपको बताया था मैंने। ये बीबीसी के एक एम्प्लॉय थे, एक वेटरन थे, जो कि वहां से इंडिया में आए थे। और ऑल इंडिया रेडियोज फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इट कमेंस ट्रांसमिशंस इन 1936 फ्रॉम अ न्यू मीडियम वेव स्टेशन इन दिल्ली विद अ पावर आउटपुट ऑफ 20 किलोवाट्स। कितना पावर आउटपुट था जब पहली बारी ट्रांसमिशन हो रहा था? लगभग 20 किलोवाट्स का था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिल्डन ने रिजाइन करा 1940 में। ऐसे में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंश्योर दैट द गवर्नमेंट यूज बोथ द रेडियो एंड द मैसेज फॉर प्रोपोगेंडा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सोच लिया प्रोपोगेंडा की तरह यूज करेंगे हम रेडियो को, और मैसेज वगैरह भी पहुंचाने के लिए यूज करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है ब्रॉडकास्टिंग एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो ड्यूरिंग द 1937 इलेक्शंस, जब 1937 के इलेक्शन चल रहे थे, द एक्ट ऑफ 1935 जो है, ठीक है, अलाउड द पीपल टू वोट फॉर देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये लोगों को राइट देता है कि वो वोट दे सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। और ब्रिटिशर्स अब डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, लोगों को राइट दिया गया कि आप चूज करो। सो लॉयनल फिल्डन वॉन्टेड टू प्रोवाइड टाइम ऑन ऑल इंडिया रेडियो फॉर इलेक्शन कवरेज सिंस द पोलिटिकल एक्टिविटी वॉज लीगल एंड सेंक्शन बाय द 1935 एक्ट। सो फिल्डन भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, ठीक है। अब क्या होता है, न्यूज सर्विस। सो 1930 से लेके 1936 तक ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन जो थे बॉम्बे में, कैलकटा में, दिल्ली में, ठीक है। और ये आप कह सकते हो कि वंस द स्टेशन वेंट ऑन द एयरवेज इन 1936, जब ये स्टार्ट हुआ, पर ईच रिलाइंग टू डेली न्यूज ब्रॉडकास्ट। डेली दो न्यूज ब्रॉडकास्ट होते थे, एक तो प्राइम टाइम स्लॉट होता था 8:30 से 9:30 का रात में, और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे देर वॉज वन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज रिपोर्ट, जो न्यूज चलती थी, जो आज हम जैसे न्यूज देखते हैं हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो जब पहली बारी न्यूज आई थी तो इंग्लिश में थी और हिंदुस्तानी लैंग्वेज में थी। हिंदुस्तानी में क्या है, हिंदी और उर्दू का मिक्सअप होता था, फ्रॉम दिल्ली एंड बॉम्बे एंड थर्ड फ्रॉम कैलकटा। कैलकटा में जो जो मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी, न्यूज वगैरह आती थी, वो बंगाली में आती थी। सो इन 1937 सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन CNO बनाया गया था, ठीक है। एंड द न्यूज बुलेटिन्स वर एयर डेली, डेली न्यूज बुलेटिन्स आती थी इवनिंग में 6 बजे, ठीक है, इंग्लिश में, और 6:05 पे हिंदुस्तानी में। ओके, हिंदुस्तानी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। ये सारी सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया रेडियो दे रहा था। फिर उसके बाद आगे क्या है, लॉयनल फिल्डन ने ये आर्ग्यू किया कि हिंदुस्तानी शुड कंटिन्यू टू बी द प्राइमरी लैंग्वेज यूज इन ब्रॉडकास्टिंग। ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है वो प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए ब्रॉडकास्टिंग की, और वही सबसे ज्यादा दिखाई जानी चाहिए सबसे पहले। तो ही सेड दैट ऑल इंडिया रेडियो हैड टेंटिवली अडॉप्टेड इट एज अ लैंग्वेज स्पोकन और एटलीस्ट अंडरस्टूड इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ आर्यन स्पीकिंग इंडिया। वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमारा पूरा, ग्रेटर पार्ट जो है उसका, वो हिंदुस्तानी बोलता है, ज्यादातर लोग जो है वो हिंदुस्तानी बोलते हैं।
ये लैंग्वेज जो है ये प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए। सो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो मेंटेन होता है हिंदुस्तानी लैंग्वेज में ही, चलता है ठीक है कुछ समय तक। बाद में जो ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी, इसको रिप्लेस कर दिया गया प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज के साथ। हिंदुस्तानी में उर्दू और हिंदी का मिक्सअप था, और हिंदी तो भाई प्रॉपरली हिंदी ही है। और ये आप ये मतलब मान के चलो कि इसके प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं 27 नवंबर 1949 से। शॉर्टली आफ्टर दैट ऑल इंडिया रेडियो ऑल्सो बिगेन ब्रॉडकास्टिंग सेपरेट न्यूज कास्ट इन उर्दू, और कुछ समय बाद उर्दू में अलग से भी ब्रॉडकास्ट आने लगते हैं। समझ आ रहा है आपको? सो हिंदी में अलग कर दिया, उर्दू में अलग कर दिया। पहले हिंदुस्तानी भाषा होती थी जिसमें दोनों का ये ब्लेंड होता था। इमीडिएटली अब क्या होता है, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू जैसे ही खत्म होता है एशिया के अंदर, ऑल इंडिया रेडियो रिक्रूटेड इट्स फर्स्ट फॉरेन जर्नलिस्ट। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने पहले ऐसे जर्नलिस्ट रखने स्टार्ट किए जो फॉरनर्स थे, बाहर से थे। ऑल इंडिया रेडियो सेंट देम टू चाइना। ऑल इंडिया रेडियो ने अपने जर्नलिस्ट को चाइना भेजा, इंडोनेशिया भेजा, जापान भेजा, अलाइड ऑक्यूपेशन फोर्स के साथ, जो अलाइड पावर्स थे उनके साथ ये जर्नलिस्ट जो हैं ये जाते थे। सिंस देन ऑल इंडिया रेडियो हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, और उसी से ही ऑल इंडिया रेडियो बढ़ता है आगे। इसके जो न्यूज कलेक्टिंग एफर्ट्स थे, जो न्यूज दिखा रहा था, वो एफर्ट्स भी बढ़ते हैं यहीं से। सो ऑल इंडिया रेडियो ने रिक्रूट करे 2 क्लासिकली ट्रेंड यूरोपियन म्यूजिशियंस को, ठीक है, इनको काम पे रखा इंडिया के अंदर। एक का नाम है वॉल्टर कॉफमैन, ये बॉम्बे में थे, और जॉन फोल्ड जो कि दिल्ली में थे। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वेस्टर्न म्यूजिक की प्रोग्रामिंग करना ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने न्यू इंडियन म्यूजिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च करी। सो म्यूजिक से रिलेटेड जो सर्विस का काम था वो इनको दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एक्सटर्नल सर्विसेस। तो 1939 का टाइम था, जो वॉइस रहे थे लॉर्ड लिन लिथ गो, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि गेव अ रेडियो ब्रॉडकास्ट टू प्रोक्लेम इंडिया पार्टिसिपेशन इन द वॉर ऑन द अलाइज साइड। इन्होंने रेडियो का यूज करते हुए ये घोषणा करी कि इंडिया अलाइज पावर की साइड से जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रेडियो यूज हो रहा था एक वेपन की तरह। कैसा वेपन? प्रोपोगेंडा का वेपन बाय द अलाइड फोर्सेस एंड द एक्सिस कंट्रीज। और इस टाइम पे रेडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिया के रेडियो सुनते थे। और मैं आपको बताऊं, नेशनलिज्म फैलाने का भी सबसे बढ़िया जरिया था रेडियो। अगर आपने रेडियो से अपना भाषण दे दिया, आप मान लो भारत के उस टाइम पे घर घर पे वो आवाज जाएगी। तो कलोनियल अथॉरिटी ऑल्सो स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग द ऑल इंडिया रेडियो इन वेरियस लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्टिंग अब होने लगती है, जैसे कि अरेबिक, पश्तो, ठीक है, ताकि लोगों से कम्युनिकेट कर सके सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो जो लोग बॉर्डरिंग एरियाज पे रहते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया में लोग रह रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज में ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट। सो ऑल इंडिया रेडियो कोऑर्डिनेटेड ब्रॉडकास्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज यूजिंग द फार ईस्टर्न ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंजक्शन विद द ऑल इंडिया रेडियो एज काउंटर मेजर्स। सो बाहर से भी अब इनके मतलब जो है ब्रॉडकास्टिंग चलती है। इट यूज टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज टू ऑर्गेनाइज द ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन्होंने यूज करी ट्रांसमिशन के लिए अदर कंट्रीज से। सो देर वर ब्रॉडकास्ट मेड सो ये क्या थी कि भाई देर वर ब्रॉडकास्ट मेड अवेलेबल इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, हमारे इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस में अब ब्रॉडकास्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाए जा रहे थे, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज था जो इंडियन पॉलिटिकल वेलफेयर में, वॉरफेयर में, वो ये सारी चीज़ें संभाल रहा था कि जो लोग बाहर रह रहे हैं इंडिया के उनको कैसे खबरें पहुँचाई जाए, जो अंदर रह रहे हैं उनको कैसे खबरें पहुँचाई जाए। तो ये सारा काम कौन संभाल रहा था? इंडियन पॉलिटिकल वॉरफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। सो जब वॉर खत्म हो जाती है, द ऑल इंडिया रेडियो टर्मिनेटेड द एग्रीमेंट, जो ये ईस्टर्न ब्यूरो के साथ जो एग्रीमेंट किया था फॉरेन न्यूज वगैरह का, वो खत्म हो जाता है। सो ऐसे में फिर क्या होता है, जो डेली ब्रॉडकास्ट होते थे दुनिया के बाहर के, वो बंद हो जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो के। और 31 मार्च 1947 से ऑल इंडिया रेडियो ने अपने डेली ब्रॉडकास्ट वगैरह भी कम कर दिए, ठीक है, जो कि बाहर के फॉरेन कंट्रीज वगैरह में चल रहे थे। एक्सटर्नल सर्विसेज को इंडिपेंडेंट कर दिया गया 1949 में, न्यूज सर्विस से वो अलग हो गई, वो जो सर्विस थी एक्सटर्नल वाली, ठीक है, और इस तरीके से सब चल रहा था। तो ये सर्विसेज की बात हो गई।
आगे मैं आपको और रेडियो के बारे में बताऊंगा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे क्या रेडियो की इंपॉर्टेंस थी। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो आप अपना फीडबैक जरूर लिखें, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।